सभी को राधे राधे। आज हम लोग ये जानेंगे कि कन्या राशि के लिए साल 2019 कैसा जाने वाला है। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य पर कि कन्या राशि का स्वास्थ्य कैसा जाएगा इस साल। तो इस साल सिर्फ एक पीरियड में इनको अलर्ट रहना है, वो पीरियड है 30 अप्रैल 2019 से लेकर 18 सितंबर 2019 तक। इस दौरान शनि वक्री हो रहा है जो कि कन्या राशि के लिए थोड़ा सा शारीरिक कष्ट लाएगा, तो इस पीरियड में आप अलर्ट रहें। खास तौर से शरीर का जो निचला हिस्सा है आपका, कमर से नीचे का, उस पर थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ सकती है, तो इस पर आप अपना ध्यान बनाए रखें, अलर्ट रहें। अब बात कर लेते हैं कैरियर की कि कैरियर कैसा जाएगा इस साल कन्या राशि वालों का। कैरियर के लिए पूरा साल इम्पोर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए होने वाली है, वो है 7 मार्च 2019 से लेकर 29 मार्च 2019 तक। इस दौरान थोड़ी सी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा मार्च के महीने में, क्योंकि ये डेट इसलिए ले रहे हैं 7 मार्च को राहु और केतु का चेंज हो रहा है। राहु जो है अभी यहाँ है लेकिन यहाँ पर आ जाएगा 7 मार्च 2019 को। ठीक, और केतु अभी यहाँ है, केतु 7 मार्च 2019 को यहाँ पर आ जाएगा। 29 मार्च इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 29 मार्च को गुरु यहाँ से यहाँ आ जाएगा केतु के साथ और राहु पर दृष्टि, तो इसकी वजह से आपको थोड़ी सी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बाकी सब ठीक है, बस मार्च के महीने में आपको कैरियर के प्रति अलर्ट रहना है, कैरियर या बिजनेस आप जो भी कर रहे हो। ठीक, अब बात कर लेते हैं धन की कि आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। आर्थिक स्थिति जो है पूरे साल में सिर्फ आपको इस पीरियड पर ध्यान देना है जब शनि वक्री हो जाएगा। इस दौरान क्या होगा कि धन के नुकसान की संभावनाएं बढ़ेंगी। ठीक, बाकी इस साल कन्या राशि वालों के लिए धन अच्छा आएगा, सब अच्छा है, लेकिन साथ में खर्च भी बढ़ेगा, तो अगर आप खर्च को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो इस साल आपका अच्छा धन संचय हो सकता है। बस इस पीरियड में आर्थिक नुकसान की संभावना दिख रही है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। अब बात कर लेते हैं शिक्षा की। शिक्षा तो शिक्षा के लिए कन्या राशि वालों के लिए ये साल ऐसा कहा जाएगा कि मेहनत ज़्यादा करनी है आपको, बहुत ज़्यादा, तब जाके जितना आप सोचेंगे उसका 90% फिर भी थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है, लेकिन 90% तक आप ज़रूर पा सकते हैं अगर आप 100% की मेहनत करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी मेहनत बना लीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप बेस्ट दे सकते हैं दीजिएगा, बाकी थोड़ा सा कम सही लेकिन उसका रिज़ल्ट आएगा ज़रूर। ठीक, अब बात करते हैं कि कन्या राशि की जो महिलाएँ हैं उनको सिर्फ एक बात से सतर्क रहना है, वो है स्वास्थ्य के प्रति अपने, और वो पीरियड यही है जब शनि वक्री होंगे 30 अप्रैल से लेकर 18 सितंबर 2019 तक। ठीक, और स्वास्थ्य, महिलाओं का स्वास्थ्य का तो ये पीरियड हो गया, बाकी उनको धन से संबंधित नुकसान की संभावना है, वो कब है, वो है जब 7 मार्च को राहु और केतु चेंज होंगे, राहु यहाँ पर होंगे, केतु यहाँ पर, तो ये, और केतु को शनि का साथ मिल जाएगा, शनि भी यहाँ पर होंगे, तो ये इस तारीख तक, मतलब कि 29 मार्च जब तक गुरु यहाँ से यहाँ नहीं आ जाते हैं तब तक थोड़ा सा ये 20-22 दिन धन के मामले में महिलाओं को कन्या राशि की अलर्ट रहना है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि उपाय आप क्या कर सकते हैं इस पीरियड में स्वास्थ्य वाला जो आपका दिख रहा है नुकसान की संभावना, और महिलाओं के लिए आर्थिक और स्वास्थ्य दोनों, तो कोशिश करें आप
कि प्रत्येक बुधवार गणेश मंदिर जाने का नियम बना लें और वहाँ जो भी चाहें आप गणेश जी का पाठ कर लें। और महिलाएं अगर चाहें तो गणेश चतुर्थी का व्रत भी रख सकती हैं, जिससे उनको थोड़ा सा लाभ मिलने के चांसेस हैं। ठीक, तो उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि और लोगों को इसका नॉलेज मिले। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।